मर्चेंट सेंटर में आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग तो कर ली और आपने यह भी देख लिया कि किस तरीके से स्प्रेडशीट को यूज करके प्रोडक्ट की डिटेल्स को आपने ऐड करना है अब उसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को एड्स uh, की फॉर्म के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रन करें अब गूगल मर्चेंट सेंटर जो है उसके थ्रू आप एड्स तो बना नहीं सकते ना ही एड्स को प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी हाँ गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम आज इस सेशन में बनाएंगे शॉपिंग एड्स शॉपिंग एड्स के अंदर तमाम डाटा जो गूगल एडवर्ड्स है वो ले तो रहा है गूगल मर्चेंट सेंटर से और गूगल मर्चेंट सेंटर में डाटा आप ख़ुद इनपुट कर रहे हैं उसकी स्प्रेडशीट और एक्सेल फॉर्म के अंदर तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि एडवर्ड्स को यूज़ करके कैंपेन कैसे बनती है शॉपिंग एड्स के लिए और किस तरीके से ये शॉपिंग एड्स डिफरेंट वेबसाइट्स पर शो होती है चलिए करते हैं उसको सबसे पहले आप मेन अपनी स्क्रीन पे जाइए जो डैशबोर्ड स्क्रीन है गूगल एडवर्ड्स की और यहाँ नई कैंपेन डिज़ाइन कीजिए वो कैसे होती है लेफ्ट साइड कैंपेन के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद नीले प्लस के साइन पे क्लिक करें और न्यू कैंपेन को डिज़ाइन करें अब जब आप नीले प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपके पास दोबारा डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं अगर आपको याद हो तो इसी पेज से हमने सर्च एड्स भी बनाई थी डिस्प्ले एड्स भी यहीं से बनती हैं और वीडियो एड्स भी यहीं से बनती हैं और आज इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे शॉपिंग एड्स की तो दोस्तों शॉपिंग ऐड के इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर क्लिक करें शॉपिंग एड्स पे क्लिक करने के बाद अब गूगल आपके सामने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रख रहा है कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं इस एड को रन करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे सामने सेल्स की ऑप्शन है कि मैं सेल्स को बढ़ाना चाहता हूँ लीड्स जनरेट करने की ऑप्शन है या वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने की ऑप्शन है तो मेरा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव शॉपिंग ऐड को करने का है वो है कि मैं चाहता हूँ कि सेल्स मेरी वेबसाइट की इंक्रीज़ हो तो मैं सेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और सेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रोल डाउन करके देखें तो यहाँ अब आपको नेक्स्ट नजर आएगा आपके गूगल मर्चेंट अकाउंट का आई नंबर ये वही आई नंबर है कि जो गूगल ने एलोकेट किया है आपके मर्चेंट सेंटर अकाउंट को अगर आप नोट कीजिए तो इस आईडी नंबर के साथ आपकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और ये वही नाम है कि जो आपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाते हुए वहाँ अपनी वेबसाइट के साथ लिखा था उसके बाद अब गूगल आपसे पूछ रहा है कि वो कंट्री डिसाइड करें कि जहाँ आप ये प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं अब सेलेक्ट कंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि पाकिस्तान आपको लिस्ट में से नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी ये ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप ये कैंपेन बना रहे हैं किसी यूएस बेस्ड कंपनी के लिए तो यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और तो सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप पे जाएं कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन है कि आपने कैंपेन सब टाइप को सेलेक्ट करना है यहाँ इस टाइम करंटली गूगल दो आपको ऑप्शन दे रहा है एक है स्टैंडर्ड की और एक है गोल ऑप्टोमाइज की अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं इसको सिखाने की कोशिश करूँ तो गोल ऑप्टोमाइज़ के अंदर गूगल जो है वो अपनी डिफॉल्ट uh, सेटिंग को यूज़ करके आपने जो गोल सेट किया है उसके मुताबिक आपकी एड्स को डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर चलाता है जबकि स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड ऑप्शंस को स्टैंडर्ड सेटिंग्स को यूज़ करते हुए गूगल वो ऐड चला रहा होता है और आपके बजट को भी बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से स्पेंड कर रहा होता है तो मैं यहाँ अभी फिलहाल स्टैंडर्ड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँगा और स्टैंडर्ड के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कॉन्टिन्यू के इस नीले बटन पर क्लिक करूँगा अब आ रही है कैंपेन डिजाइनिंग की तो सबसे पहले कैंपेन का नाम लिखें मैं यहाँ टेस्ट ऐड लिखूँगा कैंपेन का नाम लिखने के बाद अब ये वही स्टेप्स दोबारा आपके सामने आने लगे हैं कि जो आप पहले भी डिस्प्ले ऐड में या सर्च ऐड में बना चुके हैं और कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल बिडिंग का स्टेप है सी से क्या मुराद है हम पहले पढ़ चुके हैं कॉस्ट पर क्लिक तो यहाँ ऑलरेडी सी डिसाइडेड है आप उसी को सिलेक्टेड रहने दें और उसके बाद नीचे बजट का जो सेक्शन है उसमें बजट अपना इनपुट करें फॉर एग्जांपल इस शॉपिंग ऐड का बजट मैं एक हज़ार रुपये रखना चाहता हूं तो एक हज़ार रुपये मैं यहां सेलेक्ट कर लूँगा और इसको करने के बाद अगला स्टेप जो है या अगली ऑप्शन जो है वो गूगल आपसे पूछ रहा है कि डिलीवरी मेथड आपने इसका स्टैंडर्ड रखना है या एक्सेलरेटेड रखना है इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इधर स्टैंडर्ड के ऑप्शन को अभी फिलहाल रहने दीजिए एक्सेलरेटेड के ऑप्शन आप यूज़ करते हैं जब आप टाइम बाउंड हैं और आप अपने बजट को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं स्टैंडर्ड जब आप रहने देते हैं तो गूगल उसको नॉर्मल तरीके से आपकी कैंपेन को रन कर रहा होता है और आपका बजट जो है वो आपके ड्यूरेशन और टाइम पीरियड के हिसाब से स्पेंड कर रहा होता है तो यहाँ स्टैंडर्ड के ऑप्शन को रखिए और उसके बाद अगले ऑप्शन पे जाइए अगली ऑप्शन है कैंपेन प्रायोरिटी की यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लो सिलेक्टेड है अगर आप अपनी कैंपेन प्रायोरिटी को चेंज करना चाहते हैं यानी मीडियम में हाई करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट उसको आप चेंज भी कर सकते हैं मैं इसको करंटली लो पर ही रहने दूंगा और उसके बाद टारगेटिंग एंड स्कुलिंग सेटिंग पर जाऊँगा अब यहाँ नेटवर्क के अंदर गूगल अभी शो ये कर रहा है कि मेरे तमाम सर्च नेटवर्क के ऊपर मेरी ये एड्स चलेंगी और इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर जो है वो इधर एडिड है अब हमें तो यही पता है कि गूगल ही यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए तो आपकी ऐड गूगल सर्च इंजन पे भी चलेगी लेकिन इसके अलावा अगर गूगल के कोई और पार्टनर्स भी हैं कि जो प्रोडक्ट सर्च के लिए यूज़ होते हैं वहाँ भी आपकी एड्स गूगल ऑटोमेटिकली प्लेस कर रहा होगा तो इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दीजिए उसको टिक मार के रहने दीजिए ताकि आपकी एड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर और ज़्यादा से ज़्यादा के वेबसाइट्स के ऊपर शो हो डिवाइसेस के ऑप्शन पे गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑल एलिजिबल डिवाइसेस सेलेक्ट की हुई है यू डू नॉट हैव अ चॉइस टू डिसाइड कि आपने मोबाइल पे शो करना है या आपने डेस्कटॉप पे शो करना है लोकेशन uh, के अंदर दोबारा आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी कंट्री के अंदर इन एड्स को शो करना है करंटली आपने यू को सेलेक्ट किया हुआ था जिसकी वजह से टारगेटेड लोकेशन यू आ रही है और रीच भी उसके सामने बता रहा है कि एस्टिमेट रीच आपकी ऐड की ये हो सकती है इस नंबर का मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी ऐड जो है वो इतने लोगों तक पहुँचेगी uh, ये सिर्फ गूगल ऐप को बता रहा है कि आपकी ऐड इतने लोगों तक पहुंच सकती है अगर आप एडवांस सर्च करना चाहते हैं और मज़ीद ऐड करना चाहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन इवन इंक्लूडिंग द कंट्री या कोई शहर ऐड करना चाहते हैं तो आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके लोकेशन का नाम यहाँ लिखेंगे और वो ऐड हो जाएगी आपकी सर्च रिज़ल्ट के अंदर जब इन तमाम सेटिंग्स को आपने रिव्यू कर लिया है तो उसके बाद सेव एंड कॉन्टीन्यू के नीले बटन पर दबाएँ और गूगल आपको सेकेंड स्टेप के ऊपर ले जाएगा यहाँ आपको गूगल दो ऑप्शन दे रहा है एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऐड बना कर शो करें और दूसरी है कि आप शोकेस करें अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दोस्तों जब भी आप गूगल मर्चेंट सेंटर ऑरएंटेड एड्स को देखते हैं यानी शॉपिंग एड्स को देखते हैं तो अक्सर आपने वहाँ देखा होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखी हुई आ रही होती है नीचे उनका टाइटल होता है और नीचे उनका प्राइस लिखी हुई होती है और अक्सर उनका वेबसाइट यू भी लिखा होता है कुछ लोग ये करते हैं कि वो एक प्रोडक्ट को शो कर रहे होते हैं अपनी एयर में लेकिन कुछ लोग शोकेस कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तो ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट पर देखना है और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पर देखना है कि क्या वो अपनी एड्स के अंदर एक प्रोडक्ट को शो करना चाहते हैं या वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो करना चाहते हैं जो चेंज हो रही होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम करंटली अगर आप देखें तो एमेज़न जो है उनकी एड्स अक्सर शॉपिंग एड्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे पेस्ट होती हैं अफिलियट नेटवर्क के थ्रू और वो एड्स भी तकरीबन इसी तरह की होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं यूज़र के सामने तो मैं यहाँ शो के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा जब मैं शो के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा तो इस पर्टिकुलर एड के अंदर अब जो सारे का सारा डाटा है वो आ गूगल मर्चेंट सेंटर से ही रहा है जहाँ आपने डाटा को फीड किया था तो वो प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट की पिक्चर यूज़ करनी है और उसकी डिटेल यूज़ करनी है एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके बाद नीचे ऐड ग्रुप का नाम लिखे हैं फॉर एक्सटाम्प टेक्स्ट ग्रुप मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिकॉज दिस इज़ द टेस्ट ऐड और टेस्ट ग्रुप लिखने के बाद अगला ऑप्शन है कि आपसे अब गूगल पूछ रहा है कि भाई आपने बिडिंग मैक्सिमम कितनी करनी है कॉस्ट पर क्लिक के लिए तो मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा दस रुपये कि मैं दस रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता शॉपिंग ऐड के ऊपर और उसके बाद अगली ऑप्शन अब गूगल मुझसे पूछ रहा है कि क्या वो मैं तमाम वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहता हूँ कि जिनका डाटा मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर में एंटर किया था क्या वो उन तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहता हूँ मैं शो के लिए या कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स उनमें से हैं जिनको मैं अपनी एड्स के अंदर दिखाना चाहता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गूगल उसको रैंडमली और अपने तौर के ऊपर बिल्कुल पिक करे तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं सेव एंड कॉन्टिन्यू के नीले बटन पर क्लिक करूँगा दोस्तों जब आप सेव एंड कॉन्टिन्यू के नीले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या ऐड के अंदर जो शो हो रही है डिफरेंट यूजर्स को उसमें कोई तब्दीली करनी है क्योंकि आपने शो केसिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो मैं ब्रीफली इसको रन डाउन करूंगा और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं जिसमें हमने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली हैं और ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी उसके बाद चूज़ इमेज के ऑप्शन है यहाँ जो आप हेडर इमेज के अंदर इमेज को अपलोड करेंगे तो राइट साइड प्रीव्यू में अगर आप देखें तो अपलोडेड इमेज की जगह पे वो हेडर इमेज अपीयर हो रहा होगा लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ कोई एक अलग से इमेज अपलोड नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप ही की एक प्रोडक्ट का इमेज यहाँ शो हो रहा हो तो आप लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें तो अब अगर आप राइट साइड पर नोट करें तो इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट डाटा की ऑप्शन यहाँ आ गई है एंड नाउ यू विल नॉट बी एबल टू अपलोड एनी अदर पिक्चर इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट डाटा का मतलब ये है कि ये वही इमेज है कि जिसका लिंक आपने स्प्रेडशीट में गूगल मर्चेंट सेंटर में दिया था तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो इमेज वहाँ से पिक कर रहा होगा और यहाँ पोस्ट कर रहा होगा बेस्ड ऑन वट दैट यूज़र हैज़ बिन सर्चिंग तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आप शूज़ भी बेच रहे हैं और शर्ट्स भी बेच रहे हैं और उस टाइम एक पर्टिकुलर यूज़र शूज़ के बारे में सर्च कर रहा है तो यहाँ इस पर्टिकुलर इमेज में सिर्फ शूज़ की पिक्चर आपके उस डेटा बेस में से अपीयर हो रही होगी अदरवाइज अगर शर्ट्स के बारे में सर्च कर रहा है तो शर्ट्स की इमेज यहाँ सर्च हो रही होंगी एड टेक्स को आप चेंज कर सकते हैं राइट साइड पर अगर आप नोट करें जब भी कोई आपकी ऐड पर क्लिक करेगा यानी कि एंगेज करेगा आपकी ऐड के साथ तो उसके सामने ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी और इस स्क्रीन को आप अगर गौर से देखिए तो बेबी फॉक्स क्लोदिंग कंपनी के नीचे जो हेडलाइन है इसको आप यहाँ चेंज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेडलाइन के अंदर बेस्ट टी शर्ट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर गुड क्वालिटी अगर लिखता हूँ तो आप देखिए राइट साइड के ऊपर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो रही हैं और अब प्रीव्यू के अंदर जब भी कोई आपके ऐड के साथ इंगेज करेगा ये यह चीज़ें यहाँ पर होंगी अपलोडेड इमेज के अंदर ये वही प्रोडक्ट का इमेज आ रहा होगा कि जो रैंडमली गूगल डिसाइड कर रहा होगा आपकी डाटा को देख यहाँ आप अपनी फाइनल वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे ये वो वेबसाइट है जिस पर यूज़र ऐड पर क्लिक करने के बाद लैंड करेगा और डिस्प्ले यू में भी आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख सकते हैं ये वो एड्रेस है कि जो आपकी एट के ऊपर अपीयर हो रहा होगा और राइट साइड प्रीव्यू में भी ये चीज़ आ रही है तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिस्प्ले यू है www.babyfox.com.pk तो आप राइट साइड पे नोट कीजिए प्रीव्यू में वो एड्रेस चेंज हो चुका है आप थोड़ा सा अगर इसको स्क्रोल डाउन करके प्रीव्यू को मजीद गौर से देखें तो इमेज फ्राम प्रोडक्ट डाटा ये इमेज फ्राम प्रोडक्ट डाटा और नीचे ये दो नीली बार्स हैं और उसके बाद फिर ये ग्रे कलर की बार आ रही है ये बेसिकली वो प्रीव्यू है जो गूगल आपको दिखा रहा है कि यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं ये दो नीली बार्स के अंदर हैं प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ग्रे बार है और प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपीयर हो रही होगी और कौन सी प्रोडक्ट शो करनी है वो भी रैंडमली गूगल खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा इस तमाम इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद दोस्तों अब जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो गूगल फाइनली आपसे कहेगा कि जी ये आपकी ऐड की डिटेल्स हैं इसको रिव्यू कर लीजिए एंड देन एन धन विल गो लाइव तो इस तरीके से आप शॉपिंग एड्स जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर दिखा रहे होते हैं ये शॉपिंग एड्स के गूगल मर्चेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं फ्री दुनिया में वो अवेलेबल हैं तो आप जब भी आप फ्री लांसिंग वेबसाइट्स को सर्च करें तो उसमें से अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आपने घबराना नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है उधर आप एक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल ओरिएंटेड फाइल को फिल कर रहे हैं और यहाँ आके आप उसकी ऐड बना रहे हैं और दोनों का डेटा आपस आप में गूगल ऑटोमेटिकली मर्ज कर रहा है कोई टेक्निकल डिटेल की ज़रूरत नहीं है सिंपल तरीके से आप एड्स को बना रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने तौर के ऊपर डिफरेंट एड्स बनाइए और नेट्स को रन करके देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आता है